नमस्कार समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां एक ओर सूबे की योगी सरकार क्राइम कंट्रोल करने का दम भरती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद लखीमपुर में करीब एक दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के पसगवा थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर का है। गांव के करीब एक दर्जन दबंग घर में असलों के साथ घुस आए। इससे पहले युवक कुछ समझ पाता, दबंगों ने युवक को गोली मार दी। परिजनों ने आनन फानन में युवक को शाहजहांपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ डॉक्टर ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए युवक को बरेली रेफर कर दिया है। सोनेल यादव, उम्र 26 साल, पिता का नाम छोटेलाल, निवासी रतनपुर थाना बसगवा लखीमपुरखीरी, को उनके भाई विनोद यादव यहाँ लेके आए थे। उसके पेट में गोली लगी है और एक बाईं तरफ घाव भी है, तो ऐसा लग रहा है कि गोली आर पार हो गई है। मरीज की कंडीशन गंभीर है, भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। वहीं घायल युवक का कहना है कि दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी है। कोई पुरानी रंजिश, पुरानी रंजित गामान मेरे एक ताऊ थे, उनके कानून ने समझने कौन 84 मम्मी उन्हें मार दो। उनके पिताजी ने अपनी ताई रजनी ताई अंकुर आए आदर्श वाजपेयी पवन वाजपेयी अमित। आज इन लोगों ने कहाँ पे घटना को अंजाम दिया है? अरे घर माँ भैया, घर माँ घर में घुस के मारा, घर माँ घुस के मारो। क्या ये लोग दबंग किस्म के लोग हैं? हाँ भैया, दबंग के दिन लोग। वहीं सीओ श्रेष्ठा ठाकुर का कहना है कि बंदर को भगाने के विवाद में गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही की जा रही है। ये अभी मुझे आधे घंटे हम लोग को सूचना हुई है कि किसी गांव में किसी बात को लेके विवाद, शायद बंदर उन्दर को लेके, बंदर को भगाने को लेके विवाद, इन दोनों पक्षों में आपस में गोली चली है। इसमें घायल है, मैं अभी अस्पताल आई हूँ। अंतिम इसके बाद यहाँ जिस तरीके से ये लोग ठहर गए उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करी जाएगी। थैंक यू।